तो वही देश भर में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। वही उत्तरकाशी में भी जय शिव शंकर हर हर गंगे की ध्वनि से मंदिर गूंज उठे हैं। साथ ही उत्तरकाशी में अष्टादश महापुराण समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भगवत कथा और महापुराण आयोजित की गई। इस अवसर पर कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 108 व्यास और आमंत्रित देव डोलियों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण कराया गया। समिति के महामंत्री रामगोपाल पेन्यूली ने कहा कि अष्टोत्तर शत श्रीमद् भगवत गीता कथा का प्रारंभ कलश यात्रा के बाद होती है। यज्ञ व्यव्य स्थापक आचार्य घनानंद है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासं शुकं गौड़ पदम महंतम गोविंद योगिंद्रमथ शशीषम। काशी विश्वनाथ की धरती, जहाँ पर कई ऋषियों ने, कई देवात्माओं ने यहाँ पर तपस्या करी है, जिसमें हमारे महर्षि योगी जी, महर्षि स्वामी रामा जिनका बड़ा हॉस्पिटल देहरादून में है, हमारे माता तपोवनी, तपोवन महाराज जी, शिवानंद महाराज जी, ऐसे न जाने कितने तपस्वियों ने इस उत्तरकाशी में तपस्या करी है। भगवान कृष्ण के श्रीचरणों में कोट से वंदन करता हूँ। योन्तः प्रविश्य ममवातमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादिन प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यं। जो हमारे अंतःकरण में, जनमानस के अंतःकरण में हमको सजीव करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये जो अष्टादश महापुराण समिति के तत्वाधान में इस बार 108 भागवत, अष्टोत्तर शत भागवत महाज्ञान यज्ञ यहाँ पर आयोजित हुआ है, जिसमें मुख्य व्यास श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी राष्ट्रीय संत विराजमान होंगे। अभी 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी। और बहुत ही दिव्य मूल पाठ के लिए वृंदावन से और हमारे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो है बहुत ही विद्वान मूल पाठार्थी यहाँ पर आए हैं, और जनपद के समस्त क्षेत्रों से देव डोलिया यहाँ पर आमंत्रित किए, क्योंकि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युत द्वार कथा प्रसंग। जहाँ पर भगवान का कथा प्रसंग होता है, वहाँ पर सभी देवी देवता उनको आवाहित करो तो भी और ना भी करो तो भी वो स्वयं आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सारे देवता, समस्त क्षेत्रों से देवी देवता विराजमान है।